नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। कोरोना के दौरान जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तब वैज्ञानिक कंपनी एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के जरिए 134 ऐप से निवासी फीसदी बच्चों की जासूसी कर रहे थे। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने जब ऐप्स और तकनीकों की जाँच की तो भयावह नतीजे सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों पर गुप्त तरीके से बिना किसी अनुमति के निगरानी रखी जा रही थी। खास बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत जैसे 49 देशों के 1.5 अरब बच्चों की गुप्त जानकारियां 200 विज्ञापन कंपनियों को करोड़ों डॉलर में बेच दी गई हैं। करीब 70% बच्चों की जासूसी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए की गई। ऐप्स के जरिए इस तरह की जासूसी पिछले 15 साल से हो रही थी, लेकिन कोरोना के ये अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। विज्ञापन कंपनियां बच्चों के इस डेटा को उत्पाद कंपनियों को बेच दिया है। बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन पर उत्पाद लॉन्च कर करोड़ों रुपए कमाएगी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मार्च 2021 से अगस्त 2021 के बीच 164 रिमोट लर्निंग ऐप्स की जांच में, जिसमें 146 ऐप ऐसे थे जिसकी तकनीक बच्चों की निजता की खतरे में डाल रही थी या फिर डाल दी। ये ऐप बिना माता पिता की सहमति के बच्चों पर नजर रखे थे। HRW की यह रिपोर्ट संघीय व्यापार आयोग की पिछले सप्ताह शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों को चुनौती की बात की है। FTC ने कहा कि उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो ऑनलाइन शिक्षण सत्र के दौरान बच्चों की अवैध रूप से निगरानी कर रहे हैं। बच्चों की इन गतिविधियों की हुई जासूसी, बच्चे देश के किस जिले के किस क्षेत्र में हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कहाँ हैं, घर के किस कमरे में कितनी देर हैं, स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, कमरे में अकेले कितनी देर रहते हैं या फिर दोस्तों से क्या बात करते हैं, क्लास के दौरान बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं और कैसे बैठते हैं, बच्चों के परिजन किस तरह की तकनीक या उत्पाद खरीदने की क्षमता रखते हैं, मोबाइल के कीबोर्ड की मैपिंग और कीबोर्ड की आवाज़ भी सरकारों ने नहीं जांची। तकनीक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के दौरान बच्चों को वर्चुअल क्लास रूप तक पहुंचाने की जबरदस्ती में सरकारों ने इस बात की जांच तक नहीं की कि जिन तकनीकों का उत्पादों का प्रयोग स्कूलों में किया जा रहा है वे सुरक्षित है भी या नहीं। बच्चों की निजता के खिलवाड़ महज इस लापरवाही का नतीजा है।